इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर कीवर्ड शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक सभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें से आपको कौन सी काम में आए ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप अगर जॉब कर रहे हो आपके पर्सनल वर्क के लिए या नॉलेज के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, जो शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल प्लस ए। इसका मीनिंग क्या है? तो ये सब कुछ सिलेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन जो है, जब भी आप कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो जो भी डेटा रहेगा वो कॉपी कर सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो जो भी टेक्स्ट है वो आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे और एक साथ फॉर्मेट या कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते कंट्रोल प्लस बी, इसका मतलब है जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड करना। इसका जो फंक्शन रहता है वो जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखे हो उसमें से जो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको आप लोग इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो इस फंक्शन का यूज़ करते हो, जिससे वो टेक्स्ट थिकर और दूसरे वर्ड से अलग दिखता है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आप लोग रिपोर्ट बनाए हो उसमें आप लोग कंटेंट लिखा होगा, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट उसे आप लोग कंट्रोल प्लस भी दबा के बोल्ड कर सकते हो ताकि उसे एक अलग इम्पोर्टेंस मिल सके। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी, इसका मीनिंग कॉपी करना। जो भी वर्ड्स है, पिक्चर्स है, फाइल है, अगर आप लोग ये दबाओगे कंट्रोल प्लस सी तो वो कॉपी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कोई स्प्रेडशीट है उसमें डेटा है जो आपको स्पेसिफिक डेटा कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबा के आप लोग कॉपी कर सकते हो और वो अलग किसी फाइल में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी दबा। कंट्रोल प्लस डी, इसका मीनिंग है जो भी वेब पेज है उसको अगर आपको बुकमार्क करना है तो वो आप कंट्रोल प्लस डी दबा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके वेब ब्राउज़र में अगर आप लोग कोई वेबसाइट बार बार विजिट कर रहे हो तो इससे अच्छा वो आप लोग अगर आपको उसे बुकमार्क करना है तो कंट्रोल प्लस डी दबाना है, वो वेब पेज जब खुला है तब तो वो ऑटोमेटिक बुकमार्क हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई मीनिंग सर्च करना। अगर आपको कोई भी चीज़ों को फाइंड करना है क्विकली तो ये फंक्शन को यूज़ किया जाता है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट है अगर आप लोग कंट्रोल प्लस ई दबाओगे तो उसमें जो भी कंटेंट है जो आपको फाइंड करना है तो ये फंक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एफ, इसका मीनिंग है फाइंड करना। अगर एग्जांपल में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो ये आप लोग जब की दबाओगे तो वो फाइंड हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जी, इसका मीनिंग है गो टू। इसका फंक्शन जो है वो आपको डिफरेंट पेज के उधर नेविगेट करने के लिए और जगह पे जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आप लोग एक की दबाते हो तो इससे आप लोग एक स्पेसिफिक पेज नंबर पे जा सकते हो। कंट्रोल प्लस एच, इसका मीनिंग है रिप्लेस करना। तो ये फंक्शन क्या करता है, एक वर्ड को अनदर वर्ड में रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जब भी आप लोग एक की दबाओगे तो ओल्ड जो भी है वो फाइंड किया हुआ उसे आप लोग न्यू वर्ड दे के रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल प्लस आई, इसका मीनिंग है टेक्स्ट को आइटैलिक करना। इसका फंक्शन जो है वो जो भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा झुकाता है, लीन करता है। एग्जाम्पल, जब भी आप लोग फॉर्मेटिंग करना चाहते हो एक डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट आइटैलिक करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस आई दबाओ तो वो जो टेक्स्ट है वो आइटैलिक बन जाएगा। कंट्रोल प्लस जे, इसका मतलब है डाउनलोड्स, यानी जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया है जब भी आप लोग ये प्रेस करोगे वेब ब्राउज़र में तो ये आपका डाउनलोड हिस्ट्री आपको दिखा देगा। कंट्रोल प्लस के, इसका मीनिंग इंसर्ट हाइपरलिंक। एग्जांपल में अगर आपको बताऊँ इसका, तो जब भी प्रेजेंटेशन में या कोई डॉक्यूमेंट में जब भी आपको कोई एक वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस के दबाना, आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल, इसका मीनिंग है जो एड्रेस बार आपका रहता है वहाँ पे आपको डायरेक्टली ले जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप लोग वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जब भी आप लोग एक की दबाओगे तो आपको डायरेक्ट एड्रेस बार में लेके जाएगा जहाँ पे आप लोग नया यूआरएल टाइप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एम, इसका मतलब है न्यू ईमेल, यानी ईमेल्स जब आप लोग यूज़ करते हो जब भी आप लोग उसके अंदर कंट्रोल प्लस एप दबाओगे तो एक नया मैसेज और ईमेल आपको कंपोज
करने को मिलेगा। उसके अंदर आप लोग जो भी मैसेज है वो लिख के आपके दोस्तों को भेज सकते हो या फिर किसी और को। कंट्रोल प्लस एन, इसका मीनिंग न्यू। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊँ तो जब भी आप लोग कोई डॉक्यूमेंट खोले हो वर्ड प्रोसेसर के अंदर, तो इस की का यूज करके आप लोग एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ओ, ये यूज किया जाता है ओपन करने के लिए। एग्जाम्पल में आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जब भी आप लोग कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो जो भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस पी, ये यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। एग्जाम्पल में वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी आप लोग कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए तैयार होगा एक पेपर के ऊपर। कंट्रोल प्लस क्यू, ये फंक्शन यूज किया जाता है क्विट और एग्जिट। यानी एग्जाम्पल अगर दूं तो गेमिंग में अगर आप कोई गेम ओपन किए हो सॉफ्टवेयर का, उसमें आपको एग्जिट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस क्यू दबा सकते हो, या कोई भी फाइल ओपन है वो कंट्रोल प्लस क्यू दबा के एग्जिट हो सकती है। कंट्रोल प्लस आर, इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रेश। आप लोग वेब ब्राउजर के अंदर जब भी कंट्रोल प्लस आर दबाओगे तो वो करंट वेब पेज को रिफ्रेश कर देगा। कंट्रोल प्लस एस, ये फंक्शन यूज किया जाता है सेव करने के लिए कोई भी वर्क आपने किया है वो। एग्जाम्पल में अगर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप लोगों ने कंटेंट लिखा है वो आपको सेव करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस दबाना है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टी, इसका इस्तेमाल किया जाता है नया टैब ओपन करने के लिए। एग्जाम्पल में आपका वेब ब्राउजर जो ओपन है, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स देखने हैं एक विंडो के अंदर, तो आप लोग कंट्रोल प्लस टी दबा सकते हो जिससे नया वाला टैब ओपन हो जाए और उसके अंदर आपको जो मर्जी वेबसाइट ओपन करनी है या जो भी सर्च करना है वो आप लोग सर्च कर सकते हो। कंट्रोल प्लस यू, इसका यूज़ किया जाता है व्यू पेज सोर्स के लिए। यानी अगर आपको HTML सोर्स कोड देखना है वेब पेज का तो कंट्रोल प्लस यू आपको दबाना है वेब ब्राउजर के अंदर, तो आपको वो उसका वेब व्यू पेज सोर्स दिखेगा HTML कोड का। कंट्रोल प्लस वी, इसका फंक्शन है पेस्ट। यानी जो भी कंटेंट आप लोगों ने कॉपी किया है वो अगर आपको पेस्ट करना है किसी डॉक्यूमेंट या किसी और फाइल के अंदर तो आपको कंट्रोल प्लस वी दबाना है जिससे वो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का फंक्शन है विंडो जो भी ओपन है या टैब जो भी ओपन है उसको क्लोज करना। एग्जाम्पल के लिए अगर वेब ब्राउजर के अंदर आपको क्लोज करना है टैब या विंडो तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इस की का यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एक्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है कट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो आपको कहीं और शिफ्ट करना है और वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है तो कंट्रोल एक्स दबा सकते हो जिससे वो कॉपी भी हो जाएगा और पेस्ट करने पर वो था वो वहाँ से गायब भी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई, इसका यूज़ किया जाता है रिडू के लिए। लोग अंडू किया है तो उसे आप लोग को रिडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबाना है कोई भी फाइल के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। कंट्रोल प्लस जेड, इसका यूज़ किया जाता है अंडू के लिए। एग्जाम्पल में अगर आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंटेंट आप लोग लिख रहे हो जो आपको नहीं पसंद आया तो आपको अगर पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हो जिससे वो जो भी लास्ट स्टेप में आप लोगों ने लिखा वो निकल जाएगा। तो ये थी पूरी लिस्ट कंट्रोल प्लस ए टू कंट्रोल प्लस जेड, यानी 26 शॉर्टकट कीज है कंप्यूटर कीबोर्ड की विंडोज़ के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस टाइप की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।